नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी राजेश कुमार जी। राजेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। राजेश जी, एक बात बताइए, बाबा साहब की विचारधाराओं को कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है रोका जा रहा है, या उनको एक बाउंडेशन कर दिया है, या लोग खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम आज का जो अवसर है बहुत हमारे लिए शुभ रहा है, क्योंकि बाबा साहब का आज 63वां परिनिर्वाण दिवस है। मैं इसको आज एक शोक के दिवस में मैं नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे, क्योंकि महापुरुष होते हैं उनकी कभी डेथ नहीं होती है। आम इंसान मरता है, महापुरुष कभी नहीं मरता, क्योंकि उसकी विचारधारा जीवित रहती है। जब तक महापुरुष की विचारधारा जीवित है वो महापुरुष कभी नहीं मरेगा। और हम आज पिछड़ा दलित शोषित समाज के जो लोग हैं, जो वर्ग हैं, हमने आज शपथ ली है कि हम बाबा साहब की विचारधारा को हम मरने नहीं देंगे और हमेशा जीवित रखेंगे। बाबा साहब की विचारधारा को जीवित रखेंगे, उनको जीवित रखेंगे। जहाँ तक विचारधारा की बात, तो जो ब्राह्मणवादी पार्टियाँ रही हैं आज़ादी के बाद से ही, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और अन्य जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, उन्होंने बाबा साहब के मूवमेंट को एक दलित हस्ती तक ही सीमित रखा, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ओबीसी समाज जो हमारे महापुरुष रहे हैं, ओबीसी समाज से जो महापुरुष रहे हैं, जो हमारे बाबा साहब जो खुद दलित समाज से, एससी समाज से जो महापुरुष रहे हैं, अगर इनकी विचारधारा ओबीसी तक पहुँच गई तो वो ब्राह्मणों से एकदम कट जाएगा और फिर वो राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण केवल 3% हैं और स्वर्ण केवल 15% हैं। ये अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते, ये सिर्फ ओबीसी समाज को हमारे महापुरुषों से अलग रखकर, उनकी विचारधारा से अलग रखकर ये सत्ता को कब्जाए हुए हैं। अगर जिस दिन इनकी विचारधारा ओबीसी समाज तक पहुंच गई, एससी एसटी समाज तक तो काफ़ी हद तक पहुंची हुई है, अब ज़रूरत इस बात की है कि ये विचारधारा ओबीसी समाज तक भी पहुंचे, सो दैट कि इन ब्राह्मणों की कलई खुले और इनके औकात पता चले, क्योंकि हम 85% हैं। आज हम इनसे अपने अधिकार की डिमांड करते हैं और हमें इन्होंने भिखारी बना के रख दिया है, जबकि ये देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी है और हमें इनसे अधिकार मांगने पड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ओबीसी समाज जल्दी से जल्दी बाबा साहब और अन्य जो ओबीसी महापुरुष रहे हैं, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले पेरियार, बाबू राम कुशवाहा और ललित सिंह यादव, ये खुद उनके समाज के महापुरुष हैं, लेकिन ये उनको खुद रिकग्नाइज नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मणों ने इनको कह रखा है कि ये दलित महापुरुष हैं, इनके साहित्य जो दलित साहित्य है ये कहकर उनको भटका दिया है। तो ओबीसी समाज समझता है कि ये तो दलित समाज का साहित्य है, हम क्यों पढ़ें इसको, हमें ज़रूरत ही नहीं इसको पढ़ने की। तो इसलिए उनको हमें जागरूक करने की ज़रूरत है। आज सोशल मीडिया हमारे पास एक बहुत अच्छा हथियार है, जो हम एक क्लिक में, एक मैसेज में हम हजारों लाखों लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, ओबीसी को जागरूक कर सकते हैं। आप थे राजेश कुमार जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि बाबा साहब के मिशन को रुकना नहीं देना है, उसको आगे बढ़ाते रहना है, और उसमें खास भूमिका जो रहनी है वो एसटी और ओबीसी समाज को रहनी है, जिन्हें निरंतर जागते रहना पड़ेगा, वो दलित समुदाय से को अलग ना करें, जबकि सारा का सारा 85% बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी एक ही है, तो खास तौर से ओबीसी समाज को जागना पड़ेगा। और जिस दिन राजेश जी ने बताया, जिस दिन ओबीसी समाज जाग गया उस दिन बहुजन समाज की सरकार होगी। एसएमडी से बात करने के लिए राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।